भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भूपेश सरकार की विफलताएं गिनाई हैं। उन्होंने कहा है कि भूपेश सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ये 2 साल बुरे सपने जैसे हैं। सरकार ने वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं किया। किसानों से झूठे वादे किए गए, आधे अधूरे कर्ज माफ किए गए। विष्णुदेव साय ने कहा है कि भूपेश सरकार 2 साल में शराबबंदी नहीं कर पाई, अब तो शराब की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो गई है, बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिला है, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ठप है, भूपेश सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। विष्णुदेव साय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने। सत्ता में काबिज हुए भूपेश सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 2 सालों में बतौर विपक्षी पार्टी बीजेपी कहाँ है? हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। पहले तो यही बताइए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, 2 साल सरकार ने पूरे कर लिए और सरकार इसे एक बड़े जश्न के तौर पर मना रही है, इस पर बीजेपी का क्या रुख है? देखिए, छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार को चलते हुए 2 साल हो गए हैं और 2 साल में ये सरकार पूरी तरह से 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों के निगाह से उतर चुकी है, क्योंकि जिस बड़े बड़े और लोक लुभावन वादे को लेकर सरकार में आए, आज एक भी वादा इस सरकार पूरा करने में 2 साल में सफल नहीं हुई है। चाहे वो कोई भी मुद्दा ले लें, चाहे शराबबंदी के लिए तो लोग हाथ में गंगाजल लेकर कसम खाए थे, लेकिन आज 2 साल हो गया, ये देखने में आ रहा है कि ज्यादा शराब बिक रहा है, घर पहुंच सेवा शराब का यहाँ पर दिया जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अगर शराबबंदी करेंगे तो कहीं ना कहीं ड्रग्स सेवन बढ़ जाएगा, तो इससे साफ लगता है कि प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री जी की नियत शराबबंदी पर नहीं है। और उसी तरह से कर्जा माफी की भी इन्होंने बात की थी, हर किसान का कर्जा माफ, लेकिन आज आधा अधूरा कर्जा माफी हुआ है और आज कर्ज के बोझ तले किसान यहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं। उसी तरह से बेरोजगारी भत्ता की बात इन्होंने की थी, जो बेरोजगार हैं उनको 1500 और 2500 रुपया प्रति महीना देने की बात थी, लेकिन आज 2 साल होने पर एक भी बेरोजगार को किसी को एक रुपया। सरकार तो यही कह रही है कि 36 बड़े वादे हमने जनता से किए थे, 24 वादों को 2 साल में ही पूरा कर लिया गया है। अब इस पर भी मतलब एकरूपता नहीं है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमने 80% वादा पूरा कर दिए, वहीं पर गृह मंत्री कहते हैं कि हमने 75% वादा पूरा कर दिए और वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हमने 33% वादा पूरा कर दिया। पता नहीं इसमें से कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन बतौर विपक्षी दल जो आक्रामकता सड़क पर बीजेपी की देखनी चाहिए थी, वो इन 2 सालों में दिखती नहीं है, इसकी वजह क्या मानते हैं? और आने वाले दिन जो बाकी शेष हैं 3 साल, इन 3 सालों में बीजेपी की क्या भूमिका होगी राज्य में? देखिए, तो इसका मुख्य कारण कोरोना भी है। कोरोना के कई नियम कानून थे, उसको भी मानना जरूरी था और हम सब लोगों ने इनको 2 साल का मौका भी दिया कि भाई जनता ने इनको चुना है और सरकार इनको दिया है, तो कम से कम एक वक्त तो उनको देना चाहिए। लेकिन अब 2 साल में लोग कुछ नहीं कर पाए, तो अब हम लोग बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे भी और उतर भी चुके हैं। एक सवाल ये भी है कि राम पर सियासत गर्म है, बीजेपी के लिए जो कांग्रेस का आरोप है, वो आरोप ये है कि बीजेपी के राम नोट वोट और दंगे के चोट वाले राम है और कांग्रेस के जो राम है माता कौशल्या के राम है। राम पर इतनी सियासत राज्य से क्यों हो रही? देखिए, राम तो एक ही है, कौशल्या के ही राम है, लेकिन आज खुशी की बात है कि ये लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे, लेकिन इनको लगा राम के मतलब नया पार होगा नहीं, और इसलिए आज ये लोग राम भक्ति पर उतर आए हैं, तो अच्छी बात है। अच्छे दिन आए हैं और कांग्रेस पार्टी राम की शरण में आई है, ये बीजेपी कह रही है। और रही बात सत्ता में 2 साल काबिज होने की और बतौर विपक्षी पार्टी बीजेपी की भूमिका की, तो इसके तमाम सवालों के जवाब विष्णुदेव साय ने दिए हैं। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फॉर लौटेंगे।